नमस्कार सुनासोई का दोस्त दीपक। और दोस्तों, चलती ट्रेन के सामने एक शादीशुदा महिला ने ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी, और वो भी दोस्तों दो मासूम लड़कियों को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी तो उस महिला को ट्रेन से कट के अपनी जान देना पड़ा। जानते क्या वजह है, क्या पूरा मामला है, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दे, जिस महिला ने चलती ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी और दो बच्चियों का साथ छोड़ के चली गई, आप सभी को बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बल्दी का पूर्वा निवासी, जी हां शशि तिवारी, बीमारी के चलते बच्चों के साथ मायके में रहती थी। और आप सभी को बता दें कि बीती रात बिना किसी सूचना के घर से निकल गई और बच्चों को घर में छोड़ दिया। बुधवार की सुबह पहर हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर लोगों ने शव को देखा तो जीआरपी पुलिस को जानकारी दी और शव की शिनाख्त करवाया। आप सभी को बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर भेजा गया। जीआरपी प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि मृत्यु महिला का नाम शशि तिवारी है और इसकी ससुराल खखरेड़ू थाना क्षेत्र के दमोदापुर गांव में है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों, जो महिला ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी, अपनी मायके में दो महीने से अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक लड़की 14 वर्ष की थी और दूसरी लड़की 7 वर्ष की थी। आप सभी को बता दें कि मरने वाले महिला के पति शिव कुमार ने बताया कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और 3 सालों से उसके फेफड़े का इलाज चल रहा था, जिसके चलते वह अवसाद में आ गई थी और घातक कदम उठा लिया। बताया कि कल शाम को ही उसके पास से गांव वापस आया था और सुबह हादसे की जानकारी मिली। तो दोस्तों, जो महिला ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी और दो मासूम बेटियों को छोड़ के साथ चली गई, दोस्तों आप सभी को बता दें कि महिला अपनी बीमारी के कारण अपनी जान दी और अपनी बीमारी को झेल ना पाई और इसके वजह से उसने जान दे दी। तो दोस्तों, क्या जान देना जरूरी था या इस जीवन से या इस बीमारी से लड़ना जरूरी था, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप सभी का क्या राय है इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं इंडियन रेलवे के किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।